सभी ग्रैंडफादर पूछते हैं कि क्या तुमने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं क्या, तो उनका मैनेजर बोलता है हाँ मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा जेंटल रहना बेबी के साथ, बेबी को तुम स्केयर्ड मत कर देना। उसके बाद उनका मैनेजर बोलता है क्या ये सही होगा इस तरीके से बच्चे को वहाँ से लेके आना बिना यंग मास्टर को बताए हुए। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वेनेसडे मॉर्निंग को तुम उसको यहाँ लेके आना मेरे पास, और वेनेसडे को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है तो उसमें सारे बड़े बड़े लोग आएंगे करके, और जो जिन याओ है उसको तुम कहना कि वो मीटिंग को मेरे बिहाफ में जाके अटेंड करे, और उस वक्त ही जब वो बिज़ी होगा तब तुम उस बच्चे को ले आना। और तभी मैनेजर सोचता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं कह पाता। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जिन याओ जो है उसे बहुत ही खुशी होगी कि वो इस मीटिंग में जा रहा है करके। आखिरकार उसका प्रेजेंस जो है बताएगा कि मेरा कितना खास है वो करके, यदि मैं नहीं जाऊँगा और मेरी जगह वो जाएगा तो। और ये एक बहुत अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है लोगों का सपोर्ट विन करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से अपना कैरियर खुद ही डेवलप कर रहा है करके। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रूरू जो है वो चिप्स का पैकेट लेके बैठा होता है जो कि टोमेटो फ्लेवर का होता है, और बोलता है कि ये को ये चिप्स पसंद है, और वो ये सारी चीज़ें अपने डकी बैग में भर रहा होता है। और फिर वो ये भी बोलता है कि ये जितने भी सारे क्रैकर्स हैं वो श्रिम्प फ्लेवर के हैं जो ये को पसंद है, और फिर वो इन सबको भी डकी के अंदर भर रहा होता है। और फिर दिखाता है कि ये फ्रूट चैली है जो यी को हमेशा खाना पसंद है, और ये वाली जो है वो यी की बहुत ही फेवरेट कुकी है, और ऐसे करके बहुत सारा सामान वो लेके आता है, कलेक्ट करता है जो यी को बहुत पसंद होता है और उसको डकी के अंदर भरता जाता है। और तभी सीईओ आता है और बोलता है कि रूरू तुम इतना सारा स्नैक्स एक दिन में नहीं खा सकते हो। तो रूरू बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सारे स्नैक्स तो यी के फेवरेट हैं तो मैं उसके लिए ये सारे स्नैक्स को जो है पैक कर रहा हूँ करके। तभी सीईओ बोलता है कि यी भी इस तरह का स्नैक्स ज़्यादा नहीं खा सकता है, और तुम्हारे इतने छोटे से बैग में इतनी सारी चीज़ें फिट भी नहीं हो सकती है। तो रूरू बोलता है कि ये जो है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है और उसको ये सारे स्नैक्स खाने की ज़रूरत है, तभी तो उसमें स्ट्रेंथ आएगी, नहीं तो वो कैसे पैसे कमाएगा और रूरू को बड़ा कर पाएगा। तभी सीईओ को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोले, और उसका फ़ोन बजता है, और तभी सीईओ फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है, और उसका मैनेजर बोलता है कि आपका कल एक मीटिंग है। तो सीईओ बोलता है कि कल वेनसडे है और मेरे को कुछ और करने का है, मैं किसी और चीज़ के साथ डील करूँगा तो मैं मीटिंग में नहीं आऊँगा। और तभी रूरू पीछे से सारी चीज़ें अपने डकी के अंदर स्टफ करने की कोशिश कर रहा होता है, और सीईओ बोलता है कि तुम मीटिंग को कैंसिल कर दो। तो मैनेजर बोलता है ये ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और जो ओल्ड मास्टर है यानी जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस मीटिंग को उनके बिहाफ में ज्वाइन करना है। तो सीईओ तिरछी नज़र से रूरू को देखता है क्योंकि रूरू बहुत एक्साइटेड है, आखिरकार वो यी को मिलने जा रहे हैं, और सीईओ ये बात को मना नहीं कर सकता रूरू को। तो रूरू सारी चीज़ें पढ़ रहा होता है और सीईओ ये देख के थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है नहीं तुम कैंसिल कर दो। तो मैनेजर बताता है कि यदि आप इसे रेफ्यूज़ करोगे तो ये वाला जो प्रोजेक्ट और मीटिंग है ये सेकंड मास्टर के पास चला जाएगा, यानी कि अंकल के पास चला जाएगा, और ये मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका एटीट्यूड भी लोगों को पता चलेगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिकंसिडर करके देखिए। तो सीईओ सोचता है ठीक है अब क्या किया जा सकता है, और वो देखता है कि रूरू कैसे अभी भी अपना सारा सामान उस बैग के अंदर ठूसने में लगा हुआ है करके। अब सीईओ आता है और उसके हाथ से उसका डकी बैग ले लेता है और सब उल्टा सीधा कर देता है, और तभी रूरू को लगता है कि सीईओ ये सब चीज़ें नहीं लेके जाएगा, तो वो बार बार क्लैरिफाई करता है कि ये चीज़ें जो है वो मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं यी के लिए ही ले जा रहा हूँ। और वो ये भी बोलता है कि उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है जबकि उसे ये सारी चीज़ें पसंद होती है। तभी सीईओ बोलता है कि रूरू यदि हम फिर कुछ नहीं बोलता, और
रूरू तभी बोलता है क्या तुम -1 बोलना चाहते हो क्या, और तभी रूरू ये भी बोलता है कि हम कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ सकते हैं, और रूरू थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी CEO सोचता है कि जाने दो, बच्चे को कुछ नहीं कहते, और फिर वो उसको बोलता है कि इस तरीके से हम इस बैग को ज़िप अप नहीं कर सकते हैं और तुम्हें कैसे सामान भरना चाहिए मैं बताता हूँ। और फिर CEO धीरे धीरे सारा सामान भरता है और उसके बैग में सारा सामान आ जाता है, उसकी डकी जो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है, और रूरू बहुत खुश होता है और डकी को अपने गले लगाता है और बोलता है यी मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें देखने के लिए। रूरू को खुश देख के CEO का भी मन थोड़ा सा खुशी से भर जाता है, और तभी वो बोलता है कि चलो सोने चलते हैं, और रूरू को फिर वो सुला देता है। रूरू को सोता हुआ देख के CEO सोच में पड़ जाता है, और तभी वो फ़ोन करके बोलता है कि ओल्ड मास्टर जो है अपना एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं करके। अब सब उस जगह पे ये न्यूज़ फैल जाती है कि भाई एक सेलिब्रिटी है जो टाइम ट्रैवल में काम कर रहा है, वो नया सेलिब्रिटी है, उसके बारे में किसी ने कुछ पोस्ट किया है, किसी ने कुछ पोस्ट किया है, और कुछ लोग बोलते हैं कि कौन है ये, इसे तो हमने देखा भी नहीं है, कुछ बोलते हैं कि ये बहुत ही हैंडसम है करके, ऐसे करके उस सारा इंटरनेट जो है यी के पोस्ट से भरा होता है करके, और उसमें उसके पुराने जो वो सीरीज़ उसने किए हैं वो भी दिखाए जाते हैं, और इसमें ये भी लोग बोलते हैं कि हमें इसका फेस पसंद है करके, और ऐसे करके उसके पोस्ट को फॉलो करना चालू कर देते हैं। और तभी ये देखता है कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, मेरे इतने फैंस बढ़ गए, मेरे पोस्ट इतने वायरल हो रहे, तो उसके खुशी के आंसू निकल जाते हैं, और उसको लगता है कि बहुत सारा अटेंशन उसे ऑनलाइन मिल रहा है। तभी उसका जो रूम पार्टनर है वो आके बोलता है कि अपना वाइबो अकाउंट मुझे बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पर फॉलो करूँगा और तुम भी फिर मुझे फॉलो बैक कर लेना। तो और ही को और भी इमोशनल फील होता है, वो बोलता है क्या तुम सच में मुझे फॉलो करोगे फॉर रियल करके। तो तभी लिंग वाई भी आती है और बोलती है मैं भी तुम्हें फॉलो करूँगी करके। तो ये जो है अपना फ़ोन देता है। अब ये दोनों लोग उसका फ़ोन देखते हैं तो इनका मूड ही एकदम ख़राब हो जाता है कि ये कैसा इसका ऑफिशियल अकाउंट है जिसमें कुछ भी नहीं है, और वो लोग सोचते हैं कि क्या इस ऑफिशियल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये बोलता है कि नहीं यही मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, और तभी लिंग वाई बोलती है हमें लगता है कि तुम शायद अपना वाइबो अकाउंट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, फिर भी वो उसको फॉलो कर लेती है। और तभी लड़का भी बोलता है कि तुम्हें अपना अकाउंट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और तुम्हें ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए करके, वो भी उसको फॉलो कर लेता है। और तभी ये अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ बॉट फॉलोअर्स भी बाय करूँ क्या, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रात हो चुकी होती है, और तभी वहाँ पर कोई देख रहा होता है कि यी को कोई टीटी बुला रहा होता है, और सब ऐसे उसके जो है सब दिखाते हैं कि उसका जो पोस्ट है वो किस हॉट सर्च में आ रहा है, रैन जो उसका रूम पार्टनर है उसने भी उसे फॉलो किया है, लिंगवाई ने उसे फॉलो किया है, ये सब दिखा रहे होते हैं। अब क्या होता है कि वो लोग फ़ोन में देखते हैं और देखते हैं कि आज का जो वेदर है वो ठीक नहीं लग रहा है, आज रेन होने वाली है, और ये भी ये समझ रहा होता है, और उसको लगता है कि मुझे अपने फैंस को बोलना चाहिए कि वो अम्ब्रेला लेके आए, और लिंग भाई भी बोलती है कि जो फैंस आएंगे उनके लिए रेन के गेयर्स को जो है वो सब तैयार करें, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग भूल भी जाएँ लाना। और तभी ये बोलता है कि जिनयाओ को भी अम्ब्रेला लाने के लिए कहना और बोलना कि वो रेन बूट्स जो हैं वो रूरू को ज़रूर पहनाएं, और उसे ड्राइव सेफ करने के लिए भी कहना एयरपोर्ट से। तो ये सब ये जिंग को बोल रहा होता है, तो जिंग बोलती है ओके। अब CEO अभी भी मीटिंग में फंसा होता है और बोलता है ठीक है हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है और रूरू जो है वो उसको तो लगता है कि आज हम जाने वाले हैं, तो वो अपना अम्ब्रेला और रेन बूट्स पहन के तैयार हो जाता है, एकदम से अच्छा बच्चा बन के तैयार हो जाता है, बोलता है कि मैंने अपना सारा ड्रेसअप कर लिया है, अम्ब्रेला भी ले लिया है, रेनकोट भी ले लिए और रेन बूट्स भी ले लिए। अब मैनेजर को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि बच्चों को मीटिंग के बारे में वो समझा नहीं सकता, और तो वो बोलता है कि तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो। और तभी रूरू बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हो चुका हूँ, तो क्या अब हम जा सकते हैं, और कि हमें अभी भी वेट करना पड़ेगा। तो रूरू को
छाता बंद कर देता है, और क्योंकि मैनेजर बोलता है कि हमें वेट करना पड़ेगा। रूरू अपनी ड्राइंग करने लगता है, तभी रूरू ड्राइंग करते करते बोर हो जाता है और पूछता है कि हमें और कितनी देर वेट करना पड़ेगा। तो मैनेजर बोलता है कि हम जल्दी ही चलेंगे। फिर रूरू आता है चिप्स का पैकेट लेके और फिर बोलता है मैनेजर को कि हम कब चलेंगे। तो मैनेजर फिर से बोलता है कि हम जल्दी ही चलेंगे, और तभी रूरू बोलता है क्या अभी तक हमारा जाना तैयार नहीं हुआ है क्या। और दोनों ही इज़ द बेस्ट का पोस्टर लेके खड़े होते हैं, और तभी मैनेजर बोलता है कि बस कुछ ही देर में चल रहे हैं। अब रूरू ड्राइंग भी कर चुका होता है, ड्राइंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि और कितना टाइम और कितना टाइम लगेगा। तभी CEO भी थोड़ा गुस्से में इरिटेट हो रहा है, और तभी वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं, मतलब मीटिंग के मेंबर की, तो जिन याओ तुम जो अभी भी यंग हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट का, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तुम्हें कैसे दे दें, आखिरकार ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। और ये जो लोग होते हैं वो CEO होते हैं फैंग ग्रुप के, और तभी दूसरे आदमी बोलते हैं कि तुम बहुत यंग हो, तो मैं भी तुमको ये प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। और दूसरा बोलता है कि भाई जिन याओ तुम्हें थोड़ा स्लो इसको लेना चाहिए प्रोसेस को, और हम क्या है कि रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सारे वर्कर्स के हमारे कंपनी में। तो हमारा जो चीफ है PR ऑफिसर का फैंग ग्रुप का वो बोलता है कि हमें जो है बिग डिसीजंस ऐसे नहीं लेने चाहिए, हमें मिस्टर फैंग को यहाँ भेजना चाहिए और हमें उनके सीनियर वर्कर्स से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और वो ये भी बोलते हैं कि जिन याओ तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी प्रोजेक्ट में और हमें कुछ पता नहीं है, तो तुम इसके ऊपर ज़रा सेकंड थॉट देने की कोशिश करो, और ये अच्छा होगा कि यदि तुम यंग लोग पुराने लोगों से और अपने साथ में काम करने वाले लोगों से कुछ आइडियाज़ लें, और लेकिन तुम किसी से आइडिया नहीं ले रहे हो, तुम अपने डिसीजन में बहुत ही रैश हो, तुम बहुत जल्दबाजी में अपना डिसीजन ले रहे हो। और सभी लोग फिर बात करने लगते हैं, खुसफुस करने लगते हैं कि इसको तो कुछ पता नहीं है और इसे तो अभी प्रोजेक्ट के बारे में सीखने की बहुत ज़रूरत है करके। और तभी एक आदमी बोलता है, फैंग ग्रुप का CEO बोलता है कि उन्होंने मटीरियल्स को पढ़ लिया है करके, और वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगा और ये बहुत ही यंग है, उससे अभी सीखने की ज़रूरत है। तभी ताली कोई बजाता और बोलता है कि मिस्टर फैंग, जिन याओ को आप होस्ट मीटिंग में भेजे हो, और तो हमें ये मीटिंग को जो है नॉर्मली अटेंड करना चाहिए करके, और ये भी फैंग ग्रुप का ही एक CEO होता है। तो तभी वो बताता है कि जिन याओ जो है वो यहाँ पर मिस्टर फैंग के बिहाफ में आया, तो हमें उसको थोड़ा सा मतलब चांस देना चाहिए, और ये हमारा काम है कि हम उसे चांस दें। और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि हम जो है काफ़ी समय से उस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है वो एक पार्क का प्रोजेक्ट है, और हम डायरेक्ट ये प्रोजेक्ट मिस्टर फैंग को बता रहे थे, और मिस्टर फैंग यानी ये उसके दादाजी के लिए एड्रेस कर रहे हैं मिस्टर फैंग को। तो अब जब तुम लोगों ने इस बात को मेंशन किया है, तो हमें इस डिफ़िकल्टी से किसी भी तरह बाहर निकलना होगा, और हमें किसी भी एडवाइस को अडॉप्ट करने से पहले हमें प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए, और प्रेसिडेंट को भी 2-3 बार सोचना चाहिए। और तभी वो CEO की तरफ देखते हो बोलते हैं, क्या हमने सही कहा? तो कोई बोलता है, यंग प्रेसिडेंट। और तभी जिन याओ बोलता है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा जो भी प्रोजेक्ट है उसकी। तभी दूसरा आदमी बोलता है, ठीक है, मीटिंग को चालू किया जाए। अब क्या होता है, बारिश बहुत शुरू हो जाती है, यी के फैंस भी आए होते हैं और बोलते हैं कि वो कितना हैंडसम है, कितने ब्यूटीफुल हैं, लिंग वाई के लिए भी बोलते हैं कि वो बहुत अच्छी दिखती है। और जो यी होता है वो जिंग के साथ खड़ा होता है और बोलता है कि वो मेरे कॉल का आंसर नहीं दे रहे हैं और ना ही मुझे वी चैट पे हो रहा है। तो जिंग बोलती, हो सकता है वो लोग अपने रास्ते में हों, करके क्या हमें अंदर चल के बैठना चाहिए क्योंकि रेंज जो है बहुत हैवी होती जा रही है। ये बोलता है कि नहीं, मैं कुछ देर और इंतज़ार करूँगा, और कि जिससे वो हम लोगों को आसानी से ढूंढ सके करके। रूरू इंतज़ार कर करके थक चुका होता है।
और सो जाता है। मैनेजर की जान में जान आती है और वो प्रार्थना करता है भगवान से कि भगवान बच्चे को थोड़ी देर ज़्यादा सोने देना, उसे जल्दी मत उठाना क्योंकि उसको भी डर है ना, उठ जाएगा तो बच्चा परेशान करेगा। जैसे ही वो दरवाज़ा क्लोज करता है वैसे ही वहाँ पर लोग आते हैं और बोलते हैं सी वैन, हमारे मैनेजर का नाम सी वैन है, बोलते हैं कि हमें ओल्ड मास्टर ने ऑर्डर किया है कि हम बच्चे को लेके जाएँ, तो हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। तो मैनेजर बोलता है कि मेरा जो काम है वो लिटिल मास्टर की देखरेख करना है और इसमें मैं किसी को भी बीच में आने नहीं दूंगा। और तभी जो ग्रैंडफादर के द्वारा भेजे हुए लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई सॉरी, हमें तो मास्टर का ओल्ड मास्टर का ऑर्डर है और यदि तुमने हमारे साथ रेफ्यूज़ किया कोऑपरेट करने के लिए तो हमें उसे फोर्स से ले जाना पड़ेगा। तो मैनेजर बोलता है अच्छा तुम फोर्स से ले जाना चाहते हो, अब मुझे इतना टाइम लगा बच्चे को सुलाने के लिए और तुम यहाँ आके बोल रहे हो कि तुम उसे फोर्स से ले जाना चाहते हो। मैनेजर अपने स्लीव लीव ऊपर करता है, अपना चश्मा उतारता है, अपना कॉलर वॉलर खोलता है और बोलता है मन में कि मैं बच्चे को उठाना नहीं चाहता हूँ करके, और फिर शायद उनकी पिटाई हो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बोलते हैं लोग तुम अपना ख्याल रखो, लिंग वाई बोलती है कि तुम हमेशा शाइन करते रहो और तुम बहुत अमेजिंग हो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लोग बोलते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं और कुछ बोलते हैं कि रैन रैन तुम अपनी एक्टिंग में फोकस करो, और कुछ बोलते हैं कि रैन रैन तुमको जिम में जाना चाहिए, फिर कोई बोलता है रैन रैन मॉमी इज़ लीविंग, और ऐसे करके सब लोग फैंस जो है इन लोगों से बात करते हैं और कुछ बोलते हैं कि सेफ जर्नी, हम तुमको आजू बाजू फिर से मिलेंगे करके। तभी रैंडरन आता है और बोलता है कि तुम जिन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे क्या वो लोग अभी तक नहीं आए क्या? तो लिंग भाई बोलती है हमें अभी अभी नोटिस मिल रहा है कि शूटिंग जो है इस बार जल्दी चालू हो जाएगी और रेन भी जो है वो बहुत हैवी होती जा रही है और आउटडोर नाइट के सीन जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं, तो हम लोग चलते हैं वापस होटल में और हमें सर्दी खांसी नहीं पकड़नी चाहिए। ये बोलता है कि तुम लोग पहले जाओ, मैं बाद में आता हूँ और मैं यहाँ थोड़ी देर और वेट करना चाहता हूँ। ये बहुत देर वेट करता है और सोचता है कि क्या वो लोग किसी मुसीबत में या एक्सीडेंट में फंस गए हैं, और यी को बहुत चिंता होती रहती है। तो जिंग बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, वेदर जो है बहुत ही ख़राब है, हो सकता है ट्रैफिक वगैरह में के कारण फ़्लाइट डिले हो गई हो, और कई बार ड्राइवर भी जो है एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में टाइम ले सकता है। तो यही सोचता है हाँ ये बात भी सही है और सोचता है कि वो लोग वेदर के कारण डिलेड हो गए होंगे। वो फिर से फ़ोन लगाता है और देखता है कि जिस आदमी को वो फ़ोन लगा रहा है वहाँ पर आ रहा है कि जो सब्सक्राइबर है वो आपका फ़ोन का आंसर अभी नहीं दे रहा, तो आप बाद में डायल कीजिए करके। तभी गार्ड आता है और बोलता है कि भैया बहुत रात हो रही है, काहे के लिए तुम इधर पे हो इतनी रात में, तुम लोगों को अपने अपने रूम में जाना चाहिए, तो तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ जल्दी। तो जिंग बोलती है कि चलो यी हम लोग चलते हैं। तो ये बेचारा दुखी होता है फिर भी अपनी मुंडी हिला के बोलता है ठीक है चलते हैं। तभी दिखाते हैं कि उसे कुछ पैरों की आवाज़ आती है और देखता है कि सीईओ जो है उससे आवाज़ लगाता है यी यून करके, तो ये खुश हो जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो रूरू सीईओ और मैनेजर सब एक छाते के अंदर बारिश में आ रहे होते हैं। रूरू सो चुका होता है और ये उसको देख के सीईओ को देख के खुश हो जाता है और सीईओ बोलता है फाइनली हम यहाँ पहुँच गए ई करके। अब ये लोग सब होटल में पहुँचते हैं और सीईओ बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं आने में लेट हो गया हूँ और शायद तुमने बहुत देर हमारा इंतज़ार किया होगा। तो ये रूरू को कपड़े पहना रहा होता है ड्राई करके और बोलता है कि जो वेदर है वो बहुत ही टेरेबल है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ठीक है कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों का थोड़ी देर ही इंतज़ार किया, मैं बस तुम लोगों की सेफ्टी को लेकर थोड़ा वरीड था करके। तो सीईओ बताता है कि एक्चुअली हम लोग एक मीटिंग के द्वारा हेल्ड कर लिए गए थे, मतलब मीटिंग के द्वारा रोक लिए गए थे, दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पे आने में लेट हो गया और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था कि हम तुम्हें इन्फॉर्म कर सके, तो हम लोग सीधे के सीधे एयरपोर्ट में चले गए थे मीटिंग ख़त्म होने के बाद, और मुझे शायद तुम्हें पहले से बताना चाहिए था।
तो यही बोलता है कि तुम्हें इतनी दूर तक वैसे आने की ज़रूरत नहीं थी, आखिरकार बार को जो है वो बहुत मैटर करता है। रूरू अभी भी सो रहा होता है, तो सीओ बोलता है कि रूरू तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, और तभी यही बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल के थ्रू भी देख सकते हैं और वीडियो चैट भी कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें रूरू को बहुत ही हैप्पी फील कराएंगी करके वो रूरू को बिस्तर में लेटाता है, क्योंकि रूरू अभी भी सो रहा है। अब दोनों रूरू को सोता हुआ देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं। तभी सीईओ बोलता है कि एक्चुअली कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, और तभी ही पूछता है कि क्या एक्चुअली करके, और तभी सीओ बताता है कि मैंने रूरू को प्रॉमिस किया था कि मैं उसको यहाँ लेके आऊँगा तुमको मिलने के लिए, तो एज ए एडल्ट मुझे प्रॉमिस रखना चाहिए, प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए मैं उसको यहाँ पर लेके आया, और जब वो उठेगा और तुम्हारा फेस देखेगा तो वो बहुत ही हैप्पी होगा। तो ये बोलता है थैंक यू, और उसे अपने दिमाग में याद आता है कि जब वो बहुत बिजी रहता था अपने शूटिंग के दौरान, तो वो रूरू को कई बार प्रॉमिस नहीं निभा पाता था, और इसीलिए वो अब अपने आप से प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो जो भी प्रॉमिस करेगा उससे निभाएगा, और एक एडल्ट की तरह अपने वर्ड्स को हमेशा रखेगा, और वो रूरू के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनेगा। सीईओ ये देखता और खुश होता है। सीईओ और यी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी यी बोलता है कि तुम्हारा जो शर्ट है वो पूरा गीला हो गया है, तुम जल्दी से जाओ और शावर करो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और तब तक मैं रूरू का ख्याल रखता हूँ। सीईओ बोलता है ओके, और तभी क्या कहते हैं मिस जिंग जो होती है वो बोलती है कि मैनेजर को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें इतने सारे चोट क्यों लगी हुई है, और ऐसा कह के उसका मुंह पोंछने लगती हैं। तभी मैनेजर बोलता है कि तुम थोड़ा जेंटल हो सकती हो, और तुम मेरे सारे घावों को और भी प्रेशर डाल के दुखा रही हो। और तभी जिंग बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब गिरने की वजह से तो नहीं हुआ होगा, और तभी वो बोलती है कि ऑनेस्टली मुझे बताओ कि कैसे हुआ, किसने किया। तभी ना ये भी दरवाज़ा खोल के आ रहा होता है, लेकिन वो ये बात सुन के ना रुक जाता है सुनने के लिए, और तभी वो मैनेजर बताता है कि ओल्ड मास्टर ने कुछ लोगों को बुलाया था और वो लोग जो है लिटिल मास्टर को ले जाना चाहते थे। ये बात सुन के तो ही को जैसे शॉक ही लग जाता है, वो फट से अंदर जाता है और बोलता है क्या हुआ क्या हुआ, और पूछता है कि उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम थी और कौन क्यों वो लोग रूरू को ले जाना चाहते थे, क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या सीईओ को भी चोट लगी है क्या। तो मैनेजर जल्दी में बोलता है नहीं नहीं सब ठीक है, मैं ठीक हूँ और बॉस भी ठीक है। तभी ये बोलता है लेकिन तुम्हारा फेस, तो जिंग बोलती है कि ये तुम काम डाउन हो जाओ, ये लोग ओके हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं, ऐसा कह के वो मैनेजर के गाल पे हाथ मारती है और मैनेजर को बहुत तेज़ दर्द होता है। और तभी हमारे मैनेजर को लगता है कि उसका फेस काफ़ी स्वेल हो गया है, और सोचता है कि मिस्टर लियू जो आए थे उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं यूज़ की थी, और हम लोग बस हमारा हमारा मिशन कंप्लीट कर रहे थे, इसीलिए हम दोनों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी, क्योंकि ओल्ड मास्टर ने उसको बच्चा ले जाने के लिए भेजा था और ये वाले जो मैनेजर है इसको बच्चे की रक्षा करना है, तो दोनों ने अपने मास्टर्स का ऑर्डर फॉलो किया, जिसकी और उसी के दौरान इन दोनों की पिटाई एक दूसरे की इन्होंने। और तो फिर मैनेजर बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है करके, तो ये बोलता है ठीक है मुझे खुशी है कि तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, और फिर वो पूछता है क्या रूरू डर गया था, तो मैनेजर बोलता है नहीं रूरू तो सो गया था, उसे तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ था। और तभी ये बोलता है कि इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी तुम लोग मुझे विजिट करने के लिए आए, तो जिंग बोलती है कि ये तुम काम डाउन हो जाओ, और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि आगे क्या होना चाहिए, और इसमें कोई तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। और तभी ये सोचता है कि उसे नहीं लगा था कि ओल्ड मास्टर ऐसा कुछ कर सकते हैं, और वो जो है बहुत ही ईगर है, यानी बहुत उनकी इच्छा है बच्चे को देखने की,
और इसी की वजह से ये मीटिंग जो थी वो एक्सप्लेन हुई कि ओल्ड मास्टर ने कैसे बॉस को पर्पसली दूर करने के लिए ये मीटिंग रखी, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फिर वो बच्चे को उससे मिलने के लिए ले जाए। और तभी ये सोचता है कि उसका जो टारगेट था वो रूरू था। और तभी ये लोग बोलते हैं कि अभी रात हो गई है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, हमें कल का फ्लाइट पकड़ना है। तो ये बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ। और उसके बाद क्या होता है कि ओल्ड मास्टर जो है दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में घास रहे होते हैं और बोलते हैं कि मैंने एक ही जॉब तो तुमको दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। तभी उनका मैनेजर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये मिशन फेल कर दिया। और जो जिन याओ है वो मास्टर को लेके जा चुका है। और तभी ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि तुमने जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर दी। और फिर वो खांसने लगते हैं और वो पूछते हैं ऐसा आखिरकार तुम कैसे फेल हो सकते हो। और फिर उनको फिर से खांसी आने लगती है। तो मैंने जो पूछता है कि आप ठीक हो क्या, लेकिन जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही हफ पफ करके खांस वास रहे होते हैं और सोचते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और तभी मैनेजर बोलता है कि मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। और सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर इधर आओ, ग्रैंडपा जो है वो डेंजर में है। और जो ग्रैंडपा है वो अपने आप से ब्रीदिंग नहीं कर सकते, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। और सभी बोलते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा है, इनके फैमिली को इन्फॉर्म करो और इनके ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ करके। और तभी दिखाते हैं आसमान में रंबल होता है, यानी बिजली गड़कती है, और रूरू अभी भी सो ही रहा होता है। और रूरू को फिर से वो सपना आता है और रूरू पूछता है क्या तुम ठीक हो। उसके हिसाब से तो उसकी डकी बीमार है सपने में, इसलिए वो अपनी डकी को पूछता है कि वो ठीक है। और वो बोलता है डकी प्रिंस तुम इतनी तेज़ी तेज़ी से क्यों सांस ले रहे हो करके। और फिर उसके बाद रूरू को याद हो आता है कि यी ने क्या कहा था कि यदि तुम नेक्स्ट टाइम डकी को मिलोगे तो उसको कंफर्ट करना और उसको चीयर अप करना। तो रूरू अपनी डकी प्रिंस को हाथ लगाता है और बोलता है कि यी ने कहा है कि मुझे तुम्हें चीयर अप करना है। और वो बोलता है कि तुम सर्वाइव कर लोगे, तुम ये कर सकते हो करके, ट्राई टू ब्रीद। और उसको बोलता है कि ब्रीद करो और स्लो ब्रीद करो, ब्रीद को इन करो, ब्रीद को आउट करो, यानी सांस अंदर बाहर लो करके। वो ये चीज़ को बार बार रिपीट करता है और तभी डकी वैसा ही करता है, कभी वो सांस अंदर लेता है, कभी वो सांस को छोड़ता है। अब क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर में दिखाते हैं कि ग्रैंडफादर का जो ब्रीदिंग है वो स्टेबल हो गई है और उनका जो हार्ट रेट है वो भी स्टेबल हो गया है। और डॉक्टर बोलते हैं कि हम उसे किसी तरह अभी तो बचा लाए हैं। और लोग बोलते हैं कि इन्हें तुम आईसीयू में रख दो, क्योंकि हमें इन्हें 24 घंटे के लिए देखरेख करनी पड़ेगी। और तभी रूरू अपनी डकी प्रिंसेस को अपने गले लगाता है और बोलता है गेट वेल सून। और रूरू को अपनी डकी को सुलाते हुए दिखाते हैं और बताता है कि वो उसको चीयर अप कर रहा है करके। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सीईओ नहाने गया हुआ है, सीईओ नहा रहा होता है और वो फिर सोचता है नहाते रहते कि जो उसका शेड्यूल था प्रोजेक्ट का वो कुछ ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है। और सब लोग उस प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं कि इस प्रोडक्ट का जो बजट है और मार्केटिंग है वो कुछ ज़्यादा ही हाई है, और इसकी जो नेसेसिटी है और डिटेल्स हैं वो इसमें क्लियरली मार्क की गई हैं। और ये भी बोलते हैं कि हमारे पास इनफ एडवाइस है जो हम मीटिंग में देना चाहते हैं, और लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी। तभी कोई बोलता है कि बस करो। और दिखाते हैं कि कैसे जूनियर ने अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को बोला कि इस सब चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के लिए, और मार्केट डिपार्टमेंट को कहा कि ठीक से चेक करे कि अननेसेसरी कोई एक्सपेंडिचर है या नहीं, और उसको मेजर डिसीजन लेने से पहले रिपोर्ट करे करके सीईओ ऐसा सब कह रहा होता है। और वो ये भी कहता है कि उसे विश्वास है कि रिकॉर्ड्स जो है मीटिंग के वो लिखे गए होंगे, तो सारे रिकॉर्ड्स मिस्टर फैंग को हैंड ओवर करें। और वो बोलते हैं कि ठीक है आज के लिए इतना ही बहुत है, आज के लिए बहुत डिस्कशन हो गया, और मीटिंग को वो कॉल ऑफ करता है।
और फिर दिखाते हैं कि सीईओ कैसे फ्लाइट पकड़ता है और एयरपोर्ट की तरफ जल्दी जल्दी में जाता है। और ये भी दिखाते हैं कि जब वो एयरपोर्ट में जाने वाले होते तो कैसे उन लोगों ने फाइट किया था करके, और तभी वो पूछता है उन लोगों से कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए हो मिस्टर लियू करके। और तो मिस्टर लियू बोलते कि हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हम तो ओल्ड मास्टर का जो है ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हमें लिटिल मास्टर को उन्हें दिखाने ले जाना है करके। जिन आओ यानी हमारा सीईओ ये सब नहाते वक्त अपने सारे दिन की बातों को रिकॉल कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि अकेका ग्रैंडफादर रूरू से इतनी ईगरली क्यों मिलना चाहते, इतनी बेचैन क्यों है मैंने गए कि उन्होंने लोगों को रूरू को चोरी करने के लिए भी भेजा। अब क्या होता है, ग्रैंडफादर की तरफ का सीन दिखाते हैं कि तुम उसको याद आ रहा होता है कि ग्रैंडफादर ने कैसे कहा था कि तुम नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो बेबी को लेके आना, और उसने कैसे कहा था कि ग्रैंडफादर अभी ये वाला जो टाइम है ये ठीक नहीं है, और ग्रैंडफादर ने कैसे कहा था कि यदि ये टाइम ठीक नहीं है तो कौन सा टाइम ठीक है, क्या वो मेरे से कुछ छुपा रहे हैं क्या। तो सीईओ हमारा नहाने के बाद ऐसे सोचता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है और ये जो है उसका क्लीन क्लोथ्स लेके आता है जो वो टेबल पे रखता है। तभी ये देखता है कि सीईओ नेकेड खड़ा होता है और वो पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी नहा लिया करके, और वो कर्टन को पुल कर देता है और ये बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम अभी भी नहा रहे हो करके, और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ करके। और तभी मन में सोचता है कि मैं तो आदमी ही हूँ तो मैं इतना ब्लश क्यों कर रहा हूँ, और इसमें कोई बड़ी बिग डील नहीं होनी चाहिए कि मैं एक आदमी को नेकेड देख रहा हूँ, क्योंकि इन दी एंड मैं भी तो आदमी ही हूँ करके। और वो ये भी सोचता है कि उसे इतना नर्वस क्यों फील हो रहा है, और वो सोचता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई चीज़ सी बहुत सी देख ली होती है। और सीईओ अपने माथे पे हाथ रख के सोचता है कि अब वो क्या करे। तभी दिखाते हैं कि सीईओ और रूरू और ये कि बिस्तर में सो रहे होते हैं और रूरू बीच में सो रहा होता है। तभी ये बताता है कि उसे सी वैन ने यानी कि मैनेजर ने बताया कि आज क्या क्या हुआ है। तो सीईओ बोलता है कि मुझे माफ़ करना, और ये बोलता है कि मुझे खुशी है कि रूरू को कुछ नहीं हुआ है, और वो ये भी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी फैमिली इस तरीके से रूरू को देखने के लिए रूरू को चोरी करने की कोशिश करेगी। रूरू जो है वो बहुत ही अभी छोटा है, उसे कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, यदि रूरू को कोई स्ट्रेंजर ले जाता तो रूरू कितना फ्रीक आउट हो जाता है, यानी डर जा रहा। तो सीईओ बोलता है कि ये मेरी गलती है, और मैं सोच रहा था रूरू को बताने के लिए कि हमारी एक फैमिली भी है करके, लेकिन मुझे लगा कि जब रूरू बड़ा होगा तब उसे ये बात बताना चाहिए, और तो रूरू तब तक मैं फुली प्रिपेयर हो जाएगा सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये पूछता है तो अब क्या करना चाहिए यदि फिर से ऐसा हुआ तो। तो सीईओ बोलता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं आगे से केयरफुल रहूँगा। और जो रूरू है वो सपना देख रहा था और सपने में बोलता है कम ऑन करके, और जैसे ही वो कम ऑन सपने में बोलता है दोनों सी और ही वो चक्के से रह जाते हैं। और रूरू अभी भी अपनी प्रिंस टकी को बोल रहा होता है कि तुम ये कर सकते हो, और सी और ही रूरू को देख रहे होते हैं, और तभी सीईओ बोलता है यस यस मैं कर सकता हूँ, और ये बोलता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। इन दोनों का एक्चुअली पता नहीं होता है कि रूरू क्या सपना देख रहा है, लेकिन फिर भी वो रूरू की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम जल्दी से बड़े होना स्वीट हार्ट, और तुम बहुत हेल्दी और हैप्पी रहना करके। अब क्या होता है कि उनके दरवाजे पे नॉक होता है और कोई पूछता है कि क्या तुम उठ गए हो क्या, और ये कोई और नहीं लिंग भाई होती है। और वो बोलते हैं, तभी रैन बोलता है कि उस दरवाजे पे नॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग यहाँ पर नहीं है, और वो कल रात को पूरी रात को यहाँ इस रूम में नहीं आए हैं, और वो जो है वो ऊपर वाले अपस्टेयर पे होगा किसी के साथ करके। और तभी लिंग भाई बोलती है कि वो सारी रात आया नहीं करके, और तभी रैन बोलता है कि मैंने उसे अपस्टेयर पे जाते हुए किसी लड़के के साथ देखा था। और तभी रैन बोलता है कि वो काफ़ी
कलरफुल लाइफ है उसकी और मुझे बहुत ही जेलस फील हो रहा है करके, और वो पूरी रात नहीं आया और पता नहीं वो कहाँ कहाँ घूम रहा था, उसने क्या क्या किया, और मैं सारी रात सो नहीं पाया, मैं सिर्फ इधर उधर करवटे बदलता रहा। तो लिंग भाई बोलती है कि मॉर्निंग में शूटिंग है जो कैंसिल हो गई थी बहुत ज़्यादा रेन के कारण, तो तुम क्या करो कि थोड़ी देर और सो लो, नहीं तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे करके। और फिर तभी लिंग भाई जाती है और अपिस्टर के लिफ्ट का बटन दबाती है। तभी वो इन दोनों से मिलती है रास्ते में और ये बोलता है कि तुम्हें ऐसी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी और मैं अपना स्टफ लेके नीचे आने ही वाला था। और तभी ये बोलता है कि तुमको जाके रूरू की देख रेख करनी चाहिए। तो सीईओ बोलता है गुड मॉर्निंग लिंग भाई, लिंग भाई भी गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी पीछे से क्वीन आती है, और मतलब क्वीन आती नहीं है लेकिन लिंग भाई को याद आता है कि क्वीन ने कैसे बोला था कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक फियांस ढूंढना है और ये फियांस कोई और नहीं, वो तो हमारा सीईओ ही होता है। तो लिंग भाई सोच रही होती है कि मेरी फ्रेंड का बेस्टी का फियांस सारी रात मेरे ब्लड रिलेटेड कजन के साथ सेम रूम में क्यों गुजार रहा था। अब दिखाते हैं ग्रैंडफादर जो है वो आईसीयू में लेटे हुए हैं और जो उनकी बेटी है वो उनका हाथ पकड़ के बैठी हुई है और ये सारे फैमिली मेंबर्स आए होते हैं जिसमें अंकल है, उसकी बड़ी बहन है, और वो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर हमारे डैड की तबीयत कैसी है और वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं, और ये लोग रो भी रहे होते हैं। और तभी वो उनकी बड़ी बहन बोलती है कि वो इतनी बड़ी बीमारी वो हमसे कैसे छुपा सकते हैं, और क्या हम लोगों को वो अपनी डॉटर नहीं समझते हैं क्या। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं उनके लिए एक बेस्ट ट्रीटमेंट निकालूंगा लेकिन तुम लोगों को अपने आप को किसी भी वर्स्ट चीज़ के लिए भी तैयार कर लेना चाहिए। और तभी दूसरा बोलता है कि डॉक्टर आपको उनको सेव करना ही पड़ेगा, और ये बड़ी वाली उनकी जो बेटी है वो बोलती है कि तुम अपना बेस्ट रिसोर्स यूज़ करो, बेस्ट ट्रीटमेंट यूज़ करो और उनको बचाओ, मनी की चिंता मत करो, जैसे भी हो बस तुम्हें बचाओ करके। और तभी उनके अंकल यानी सीईओ के अंकल बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर आपको इनको बचाना होगा। तभी इनकी छोटी बहन देखती है और सोचती है कि डॉक्टर डैड की ऐसी हालत है, आप थैंक यू डॉक्टर आपने मेरे डैड को ऐसे देखा करके। और तभी इनकी जो बड़ी बहन होती है वो ये तो नाटक कर रही होती है, जब सब लोग चले जाते हैं तो वो बोलती है कि ब्रदर क्या मेरा मेकअप मेरे रोने से बिगड़ गया क्या, मैं बहुत लंबे समय से रोई नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाथरूम जाना चाहिए और अपना मेकअप फिक्स करना चाहिए। और तभी देखते हैं कि उनके डैड का आँखें खुल रही है यानी ग्रैंडफादर की आँखें खुल रही होती है। और तभी ये जो बड़ी वाली लड़की होती है वो बोलती है कि अरे डैड आप फाइनली उठ गए, आपने तो हमें डरा ही दिया था। तो उनका बेटा भी बोलता है यानी सीईओ का अंकल कि अभी आपको कैसा लग रहा है और आपने पहले क्यों नहीं हमें आपकी कंडीशन के बारे में बताया कि आप इतने सीरियस हो करके। और तभी उनका सीईओ का अंकल बोलता है कि आपको अभी अच्छा फील हो रहा है क्या, और सब लोग डैड डैड कहते हैं और जो और उनके डैड होते हैं वो एक्चुअली जिनयाओ के बारे में सोच रहे होते हैं सीईओ के बारे में। तो उनकी छोटी बेटी बोलती है कि डैड आप किसको देखने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप जिनयाओ को ढूंढ रहे हो। और तभी ये लोग बोलते हैं कि हमने ना जिनयाओ को कॉल किया था लेकिन हम उस तक पहुंच नहीं सके और वो जो है इधर उधर घूमने में बिजी है और कोई भी उस पर अप्रोच नहीं कर पा रहा है। और तभी ना डैड आँखें बंद कर लेते तो ये लोग बोलते डैड डैड आप उठो उठो। तभी जो इनकी छोटी बेटी है वो बोलती है कि डैड को रेस्ट करने दो, अब मैं जाती हूँ और जिनयाओ को कॉल करती। तो वो बाहर जाके कॉल करने वाली होती है तभी उसके अंकल आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका फ़ोन ले लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्या जिनयाओ को कॉल किया, क्या तुम वाकई में जिनयाओ को कॉल करना चाहती हो। तो लड़की बोलती है कि डैड जो है वो सीरियसली सिख हैं और उन्हें उनके बारे में जिनयाओ को पता होना चाहिए।
तो इनका अंकल बोलता है, इनका ब्रदर बोलता है कि यही मेरा पॉइंट है कि डैड सीखें करके। और लेकिन जिन याओ की जो प्रेजेंस है इससे कुछ लेना देना नहीं है, और इससे कोई डैड जो है वो ठीक नहीं हो जाएंगे। तो इनकी बहन बोलती है कि ब्रदर मुझे कुछ परवाह नहीं है कि आप और सिस्टर क्या मिलके प्लॉट कर रहे हो, पर मुझे किसी भी हालत में जिन याओ को ग्रैंडफादर की कंडीशन के बारे में बताना होगा। अब दिखाया जाता है कि जो सिटी है वहाँ पर कैसे रेन हो रही है, और लिंगबाई भी खड़ी है, और सीईओ बोलता है कि तुम जाओ अपना जाके स्टफ जो है वो ग्रैब करो, और रूरू भी उठने ही वाला होगा। तो ये बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, जल्दी से आता हूँ। और ये लिंगबाई को बोलता है कि सॉरी मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में स्टूडियो में आफ्टरनून में मिलता हूँ। तो लिंगबाई बोलती है ठीक है तुम जाओ। तभी लिंगबाई जाने के लिए होती है, लेकिन वो देखती है सीईओ को तिरछी नज़र से, और सीईओ भी देख रहा होता है। लिफ्ट का बटन दोनों दबाते हैं, और तभी लिंगबाई पूछती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और तभी वो बोलती है कि तुम मेरे लिए डिनर पे सेकंड फ्लोर पे मेरा वेट करना करके। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और तभी वो बोलती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है यी के साथ, और तुम क्या करना चाहते हो। तो सीईओ ये सुन के समझ में नहीं आता कि वो क्या ही बोले। तो लिंगबाई कुछ बोले उससे पहले ही लिंगबाई एक और एक क्वेश्चन पूछती है कि क्वीन जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और ये भी जो है वो मेरा फ्रेंड है। अभी तक किसी ने बताया नहीं है कि ये इनका रिलेटिव ही है करके। तो वो बोलती है तो तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो सीईओ बोलता है तुमको इन दोनों की बहुत ही चिंता है। तो लिंगबाई बोलती है तो आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और साथ में ये भी बोलती है कि क्वीन जो है और ये जो है वो बोथ, यानी ये दोनों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, और मैं इन लोगों को तुमको हार्म नहीं पहुंचाने दूंगी, तुम इन दोनों को चीट नहीं कर सकते। तो सीईओ बोलता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, क्वीन जो है मेरा और क्वीन का ऐसा रिश्ता नहीं जैसा तुम सोच रही हो, हमारी फैमिलीज़ का इंटरेस्ट है इसमें, इसीलिए हम लोग ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं, और तुमको वाकई में इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं उसको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। तो लिंगबाई पूछती है तो ये तो क्वीन के बारे में हो गया, लेकिन यी के बारे में क्या, तुम दोनों के बीच में क्या है, और क्या तुम दोनों कोई किस प्रकार के रिलेशनशिप में हो, क्या तुम दोनों सीरियस हो और या फिर तुमको सिर्फ थोड़ा सा फन चाहिए उसके साथ, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं देते। और वो सोचती है कि तुम शायद ही के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो और तुम उसके लिए सीरियस नहीं हो। तो सीईओ बोलता है कि उस ये कह रहे तो मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ, मेरा दिल भी उसी के साथ है करके। और तभी ये आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या सीरियस। तो सीईओ बोलता है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, क्या तुमने सारा सामान कलेक्ट कर लिया। और तभी लिंगबाई बोलती है कि अरे मुझे कुछ याद आया, मैं जा रही हूँ, मेरा असिस्टेंट जो है वो वेट कर रहा है और डिनर के टाइम पे, और वो ऐसा करके फटाफट भाग जाती है। तो ये पूछता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो रहे थे, और तुम्हारा फेस इतना सीरियस क्यों दिख रहा था। तो सीईओ बोलता है अरे कुछ बात नहीं कर रहे थे। और तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि रूरू बोलता है कि उसे लगा था कि फैंग फैंग ने उसको झूठ बोला, यानी सीईओ ने झूठ बोला है, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने वाकई में यी को अपने पास पाया। और फिर बोलता है हुर्रे मैं कितना हैप्पी हूँ, मैंने यी को बहुत मिस किया। और वो बोलता है कि जो फैंग फैंग है उसके पास मैजिक है, उसने रूरू को यहाँ पर विद इन अ सेकेंड लेके आया, और क्या कहते हैं कि ये बोलता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ रूरू को यहाँ पर देख के। और तभी सीईओ फ़ोन पर बात कर रहा होता है, और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तभी ये पूछता है कि क्या हो गया। तो सीईओ बताता है कि ग्रैंडफादर का कैंसर जो है बहुत वर्स होता जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है। तभी ये बोलता है कि मैं समझ गया। तभी वो रूरू की तरफ देखता है और बोलता है कि रूरू तुम फैंग फैंग के साथ वापस जाओगे क्या करके। तो रूरू बोलता है ओके। तो वो बोलता है कि तुम फैंग फैंग के साथ जाओ, ग्रैंडफादर जो वो बहुत सिक है, और सीईओ जो है तुम उसको ग्रैंडफादर को विजिट करने के लिए ले जाएंगे करके। तो
ये पूछता है कि तो तुम सीईओ के साथ जाओगे, तो रूरू बहुत ही एनर्जेटिक होके बोलता है हाँ मैं जाऊँगा। तो ये बोलता है कि जब तुम सीईओ के ग्रैंडफादर को मिलोगे तो तुमको उनको चीयर अप करना पड़ेगा और उन्हें कहना पड़ेगा कि उन्हें जल्दी ठीक होना है, गेट वेल सून बोलना पड़ेगा। और तभी ये सब बात होने के बाद ये सीईओ को बोलता है कि तुम रूरू को अपने साथ लेके जाओ, तो सीईओ ही को थैंक यू बोलता है। अब क्या होता है, ये लोग निकल पड़ते हैं और रूरू बहुत ही तैयार हो रहा होता है, रूरू ने अच्छा सूट वूट पहना होता है, और सीईओ को बोलता है कि फैंग फैंग चलो अब चलते हैं। और वो ये भी बोलता है कि यी ने मुझे कहा है कि मुझे तुम्हें ग्रैंडफादर के पास ले जाना है। रियलिटी में सीईओ को रूरू को ग्रैंडफादर के पास ले जाना होता है, लेकिन रूरू ऐसे बता रहा है जैसे रूरू को सीईओ को ग्रैंडफादर के पास ले जाना है। और सीईओ अपने मन में सोचता है कि भाई मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो। और तभी रूरू जो है एक फ्लावर का बुके लेके आता है और बोलता है कि सीईओ की फैंग फैंग तुमको ना वहाँ अच्छे से गुड रहना होगा और तुम्हें ग्रैंडफादर को जो है चीयर अप करना होगा, जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें उन्हें चीयर अप करना है और तुमको उनको कहना है कि वो गेट वेल सून हो करके। तो सीईओ ओके बोलता है। और तभी रूरू पूछता है कि फैंग फैंग क्या तुम हैप्पी हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर को देखने ले जा रहा हूँ, तो सीईओ हाँ बोलता है। और तभी रूरू बोलता है कि तुम याद रखना कि जो यी को बताना मत भूलना कि तुम बहुत सुपर सुपर हैप्पी हो करके, और ये भी मत भूलना कि बताना मत भूलना कि रूरू ने बहुत ही ग्रेट जॉब किया तुम्हें ग्रैंडफादर को मिलाने ले जाने के लिए। और सीईओ बोलते हैं ठीक है मैं यी को बोलूँगा कि मैं बहुत हैप्पी था क्योंकि मुझे रूरू ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए ले गया। अब हॉस्पिटल आता है, हॉस्पिटल के डोर पे नॉक नॉक होता है और वो बोलता है कि ग्रैंडपा हम लोग इधर आए हैं। तो ग्रैंडपा जिनयाओ को देखते हैं और देखते हैं कि वो बुके लेके आया है, और तभी बुके को साइड में दिखाते हैं और रूरू बोलता है कि हेलो आई एम रूरू, और वो रूरू फ्लावर्स को फ्लावर वास में लगा देता है और ग्रैंडफादर का हाथ पकड़ता है। अब क्या होता है, रूरू बोलता है कि रूरू जो है वो ग्रैंडफादर को विजिट करने के लिए आया है, तो क्या ग्रैंडफादर आप खुश हो मुझे देख के? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ मैं बहुत हैप्पी हूँ। और रूरू पूछता है कि आपको कहीं पे पेन हो रहा है क्या, और जो पेन होता है वो बैड होता है और आपको चीयर अप करना है, आपको इस बीमारी को डिफीट करना है। तो ग्रैंडफादर सीईओ को तिरछी नज़र से देख रहे होते हैं और सीईओ अपनी मुंडी हिला रहा होता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है मैं अपना बहुत ही ट्राई करूँगा ठीक होने के लिए, बेस्ट ट्राई करूँगा। तो रूरू बोलता है यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, और रूरू जो है वो हमेशा यहाँ रहेगा आपको चीयर अप करने के लिए, और आप जो अपनी इलनेस है आपकी जो बीमारी है उसको डिफीट कर सकते हो और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और आप गेट वेल सून कहता है। गेट वेल सून वो फिर से कहता है और बोलता है कि तुम ये कर सकते हो। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है मैं बहुत अपना बेस्ट ट्राई दूंगा ठीक होने के लिए। और तभी अपने मन में सोचते हैं कि ये पहली बार है कि मैंने ऐसी फैमिलियर फीलिंग हो रही है कि मैंने ये इस चीज़ को कभी महसूस किया है, और उन्हें ऐसा लगता है ग्रैंडफादर को कि वो पहले भी कभी रूरू से मिल चुके हैं। एक्चुअली ग्रैंडफादर हमेशा सपने में देखते थे ना कि उनको कोई बोलता है गेट वेल सून होने के लिए, वो हमेशा रूरू को ही देखते थे, लेकिन रूरू को वो क्लियरली नहीं देख पाते थे, इसलिए उनकी मेमोरीज में ये फ्रेगमेंट की तरह है करके। अब क्या होता है, रूरू जो है वो सडनली सीईओ की तरफ देखता है। अब इन दोनों ने घर में कहा था कि हमको जाके ग्रैंडफादर को चीयर अप करना है, और उन्होंने सीईओ को बार बार याद दिलाया था कि उसे भी चीयर अप करना है। तो वो सीईओ की तरफ देखता है, बोलता है फैंग फैंग तुम्हारा टर्न है अब। तो सीईओ को समझ में नहीं आता है क्योंकि वो तो इतना बड़ा है, वो बच्चे की तरह नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि ग्रैंडपा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और आपको गेट वेल सून होना चाहिए। और तभी रूरू बोलता है कि फैंग फैंग क्या तुम भूल गए कि यी ने क्या कहा था और तुम्हें चीयर अप करना है ग्रैंडफादर को। तो दोनों बोलने लगते हैं कम ऑन यू कैन डू इट ग्रैंडफादर, आप कर सकते हो। और तभी रूरू बोलता है कि देखो फैंग फैंग ने भी आपको चीयर अप किया है तो अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ग्रैंडफादर हंसते हुए बोलते हैं थैंक यू रूरू, और ग्रैंडफादर सीईओ की तरफ बोलते हैं कि ये कितना अच्छा बच्चा है, मुझे खुशी है कि मैं इस बच्चे को देख पाया। तो सीईओ बोलता है कि ग्रैंडफादर मैंने सुना है कि आंटी ने
तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि यही सब वो लोग कर सकते हैं और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है करके, और मैं अपने ट्रीटमेंट में कॉपरेट करने की कोशिश करूँगा, पर यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा चांस नहीं है कि मैं सरवाइव कर सकूँगा, आफ्टर ऑल मैं ओल्ड हो चुका हूँ। तभी वो बोलते हैं कि तुम और भी बार बच्चे को मेरे से मिलने लेके आओगे क्या, मैं बच्चे को पसंद करता हूँ। तभी नर दिखाते हैं कि रूरू कुछ ढूंढ रहा होता है, और तभी ग्रैंडफादर पूछते हैं कि बेटा तुम क्या देख रहे हो, तो रूरू बोलता है कि आप ना बहुत सारे धागों से बंधे हुए हो। अभी आप लोगों को याद होगा कि जब हमने ये स्टोरी शुरू की थी तो मैंने बताया था कि रूरू को कई चीज़ें दिखाई देती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती हैं, जैसे लाल रंग का धागा, थ्रेड्स या कोई भी चीज़ उसको आसानी से दिखाई देती है। पिछली बार टाइगर भी उसने देखा था, वैसे ही इस बार उसे धागे दिखाई दे रहे हैं, और वो बोलता है कि आप जो बहुत सारे धागों से बंधे हुए हो तो मैं उस धागे का एंड पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। तो ग्रैंडफादर को लगता है कि कौन से धागे, तो ग्रैंडफादर के वो कपड़ों को भी उलट पुलट करने लगता है, तो ग्रैंडफादर बोलता है अरे मेरे कपड़े। और तभी सीईओ बोलता है कि क्या रूरू को कुछ दिख रहा है जो हम नहीं देख सकते करके। तभी रूरू उसके ग्रैंडफादर के छाती पे पॉइंट आउट करता है और बोलता है यहाँ पर बहुत सारे थ्रेड्स हैं करके। तो सब लोग रूरू को देखने लगते हैं, और तभी सीईओ पूछता है क्या तुम इन थ्रेड्स को खोलना चाहते हो, तो रूरू बोलता है हाँ ये जो थ्रेड्स हैं वो डर्टी हैं और बहुत मैसी हैं करके। और फिर इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या रहा है, लेकिन सीईओ को फिर भी थोड़ा अंदाज़ा रहता है। वो सीईओ का हाथ पकड़ता है और ग्रैंडफादर के छाती पे रखता है, बोलता है यहाँ पर दबाओ करके। तो ग्रैंडफादर सोचते हैं कि क्या हो रहा है, सीईओ ने अभी तक ग्रैंडफादर को बताया नहीं होता, तो बोलता है कि कुछ नहीं हम लोग बस गेम खेल रहे हैं करके, तो आप हमारे साथ ये गेम खेलो। तो ग्रैंडफादर ओके बोलता है। अब रूरू ना ग्रैंडफादर के बाल देखने लगता है, मुंह खोलने लगता है, और ग्रैंडफादर सोच रहे थे ये किस तरह का वियर्ड गेम है और क्या तुम लोग इसी तरह हमेशा खेलते हो। तभी रूरू को धागे का एंड पॉइंट मिल जाता है और रूरू उस धागे को खींचने लगता है, और तभी वो बहुत सारे धागों को खींचता है और बहुत सारे मतलब निकालता है उस धागे को। तो इन लोगों को लगता है कि रूरू किस टाइप की पोजेस कर रहा है, और जो ग्रैंडफादर वो सोचते कि लड़का जो है बिल्कुल शर्मीला नहीं है, थोड़ा स्पेशल सा है। और सीईओ बोलता है कि रूरू का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, और सीईओ अपने मन में सोचता है कि रूरू बिल्कुल यी की तरह ही है। और ना रूरू काफ़ी सारे धागों को कलेक्ट कर लेता है और उनको फेंक देता है, और ये सारे धागे कहीं चले जाते, गायब हो जाते हैं। और तभी वो सोचता है कि अभी भी बहुत सारे जो धागे हैं वो ग्रैंडफादर को बंधे हुए हैं, और रूरू अपने मन में होता है कि उसको बहुत हार्ड ट्राई करना होगा ये धागों को खोलने के लिए। अब दिखाते हैं कि शूटिंग चालू हो रही होती है, ये पे कैमरा होता है और लिंगवाई और रैनरन दोनों देख रहे होते हैं, और तभी रैनरन बोलता है कि क्या तुम बैठे बैठे सपना देख रही हो और तुम इस तरीके से ही को क्यों देख रही हो। तो लिंगवाई बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, और तभी रैंडन बोलता है नहीं तुम वाकई में उसी को देख रहे हो, तुम्हारी आंखें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं, इस बात से तुम डिनाई नहीं कर सकती हो। और तभी रैंडन पूछता है कि क्या तुम्हें यहीं पे क्रश है, और फिर बोलता है लेकिन ये मुझे इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि तुम लोग एक दूसरे के सूटेबल नहीं लगते हो, लेकिन जो तुम्हारी गेज़ है, जो तुम्हारी नज़र है, उसमें कुछ जूसी सा फील हो रहा है, मतलब कोई तो बात है, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या बात है और मैं तुम्हारा जो है सीक्रेट कैरी करूँगा, और मैं ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊँगा, और मैं अपना जो माउथ एकदम ज़िप कर लूँगा जानने के बाद, और कोई भी फिर मेरे मुँह से तुम्हारा सीक्रेट कभी भी नहीं निकाल सकता करके। तो लिंगवाई अभी भी ही को देख रही होती है और सोच रही होती है, तभी लिंगवाई बोलती है कि एक्चुअली मेरी बेस्टी और मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो रैनरन बोलता है ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बारे में बात कर रही हो, तो लिंगवाई बोलती है तो जो मेरी बेस्टी है वो एक आदमी से इंगेज हुई है और उसकी फैमिली भी चाहती है कि वो उसी आदमी से शादी करे, और वो लेकिन फैमिली बिजनेस के कारण इंगेज हुए हैं, और जो मेरी बेस्टी का फियांस है वो मेरे मतलब दूसरे फ्रेंड को भी पसंद करता है।
तो रैनन बोलता है इसका मतलब वो चीटर है करके। तो लिंगवाई बोलती है अरे तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो चीटिंग कर रहा है। और तभी लिंगवाई बोलती है लेकिन मैंने तो अभी तक पूरी बात बताई नहीं, तुम्हें पहले पूरी बात सुननी चाहिए। तो वो पूरी स्टोरी बताती है कि क्या हुआ था करके। तभी रैन एक स्टोरी बना के बोलता है कि मुझे पता है स्टोरी, तुम्हारा फ्रेंड किसी तरह उस लड़की के लड़की को चीट कर रहा है, और चीटिंग करते वक्त उन लोगों के तुम्हारे दूसरे फ्रेंड के साथ उसका मतलब उसको भी वो चीट कर रहा है, और ये लड़की जो है वो तुम्हारी बेस्टी है, और जो है उसको ये चीटर पे बिलीव है करके, और तुमको ये बात पता है लेकिन तुम ये बात किसी को कह नहीं सकती। ऐसे करके वो बोलता है क्या मैंने सही कहा। फिर रैनरन बोलता है कि इस तरह के केस में मैं सजेशन दूंगा कि तुम्हें अपने फ्रेंड को बताना चाहिए, और तुम्हें उसे बताना चाहिए ये सारी चीज़ों के बातें बारे में कि ये कैसे चीटर है, और इसको डिस्पोजल बैग में भर के फेंक देना चाहिए, और उसको ये भी बोलना चाहिए कि तुम्हें इस प्रकार के चीटर के साथ में जल्दी से जल्द कट ऑफ कर लेना चाहिए। और क्योंकि सिर्फ बेस्टी ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लिंगवाई सोचती है लेकिन वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, और वो ये भी सोचती है कि जो उसकी बेस्टी का फियांस है वो मेरे दूसरे मेरे कज़न, मतलब इसकी बेस्टी का जो फियांस है वो इसके कज़न के साथ फ्लर्ट कर रहा है करके। तो रैनन बता रहे कि कैसा चीटर है ये, तो दोनों तरफ झुक रहा है, मतलब तुम्हारे कज़न के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। और तभी वो बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड जो है वो कितना दयनीय है करके। और तभी लिंगवाई बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, और वो बोलती है कि मेरी जो फ्रेंड है वो डायलमा में है, और वो जो है ये जो मैरिज है उसको एंड नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैरिज दो फैमिली के बीच में अलायंस है, ये दोनों मैरिज करेंगे तो इन दोनों फैमिलीज को प्रॉफिट होगा करके। लेकिन जो मेरा कज़न है वो इस चीटर के साथ रहता है, और उन ये इसको ये भी नहीं पता है कि मतलब इसका उसके साथ किस तरह का रिलेशन है, और ये जो लड़की है वो एकदम ब्लाइंड आई होके इस चीटर आदमी के साथ में घूम रही है करके। तो रैनन बोलता है कि ये एक स्ट्रेटजी है जो चीटर्स जो है दूसरों को फूल बनाने में यूज़ करते हैं, और वो बोलता है कि तुम्हारी फ्रेंड को इस चीटर के साथ अपना रिलेशनशिप बिना किसी मर्जी के एंड कर देना चाहिए। और तभी लिंगवाई रैन रैन को देखती है, और वहाँ से आवाज़ आती है कि लिंगवाई अब तुम्हारा टर्न है करके। तो लिंगवाई उठती है और डायरेक्टर की तरफ जाती है और अपना सिर हिलाती है और बोलती है कि ठीक है मैं अपना ये करती हूँ सीन देती हूँ। तो ये बोलता है तुम ये कर सकती हो, तो लिंगवाई बोलती है यस यस श्योर। और तभी रैन रैन ई के गले में हाथ डालता है, और वो बोलता है कि सुनो लिंगवाई की जो बेस्टी का फियांस है उसने चीट किया है, और वो ना लिंगवाई के कज़न के ऊपर भी चीट कर रहा है। अभी अभी तो इस आदमी ने कहा था कि जो भी सीक्रेट होगा वो उसको अपने मुंह में दबा के रखेगा, लेकिन देखो यहाँ पर इसने सारा सीक्रेट उगल दिया। तो ये कन्फ्यूज़ हो जाता है। अब क्या होता है, सब लोग बैठे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मिस्टर फैन जो है वो हॉस्पिटल में गए हैं, और उनका जो सक्सेसर है वो भी हॉस्पिटल में गया है, और सब लोग बोर्ड मीटिंग में उसका वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो चीफ पीआर ऑफिसर होते हैं फैन ग्रुप के, वो पूछते हैं क्या तुमने नोटिस किया है, क्या तुम लोगों को पता है क्या कि कौन अगली पोजीशन मतलब इनके फैन ग्रुप में इनका बॉस बनने वाला है। तो दूसरा आदमी बोलता है कि मिस्टर फैंग ने हमें अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया है क्या। तो तीसरा आदमी बोलता है कि मुझे डर है कि ये जो सिग्नल है वो हो सकता है ट्रैप हो, हमें फाइनल डिसीजन के लिए वेट करना चाहिए, और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आखिर होगा का। तभी इनका जो अंकल का परिवार अंकल के परिवार में से एक आदमी बोलता है कि तुम लोग जो हो बहुत ही ओल्ड फॉक्सेस हो करके, और मुझसे तुम कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, और तुम लोगों ने जिन याओ का जो प्रोजेक्ट है उसको साइड में कर दिया, और जो जिन याओ बेसिकली तुम लोगों ने जो पिछली बार मेस क्रिएट किया था उसको क्लीन कर रहा है, और तुम लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे कि ये जो ट्रैशी प्रोजेक्ट बहुत ही ट्रेजर के लायक है। तो ये आदमी बोलता है कि
हम तो सिर्फ उसका टेस्ट ले रहे हैं। और हमें पता है कि मिस्टर फैंग जो है वो ये यंग मास्टर को पसंद करते हैं, और लेकिन हमें ये फिंगर आउट करना है कि वो केपेबल है कि नहीं है, और तुमको यहाँ पर बैड आदमी की तरह बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे मत एक्ट करो जैसे तुम लोग विक्टम हो करके, और तुम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं भी तुम लोगों के साथ ये तुम्हारे गेम्स में दिखावे में साथ दूँ। और वो तभी आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि सेकेंड सन जो है मिस्टर फैन का वो इस पोजीशन के लिए बेटर है। जो यंग पीपल होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, वो कई मिस्टेक्स करते हैं, और मुझे नहीं पता कि इस टाइप की चीज़ें कहाँ तक जाएंगी। और तभी ये लाल बालों वाली औरत बोलती है कि मैं फेंग जियाओ को प्रिफर करूँगी, मतलब सीईओ के लिए ये खड़ी होगी करके। और तभी ये आदमी भी बोलता है कि जो ये है सीईओ है वो उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है करके, और फेंग जियांग जो है वो रेजोल्यूटेड तो है बट वो कभी भी उसने फ्यूचर में कुछ अभी तक अचीव नहीं किया है करके। तो लड़की बोलती है कि मेरी मेमोरी यदि सही है तो वो बोलती है तुमने कभी किसी का साइड नहीं लिया है, तो तुम इसमें कि अभी क्यों साइड ले रहे हो करके, और ये किस तरह का स्टेटमेंट है और ये तुम किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं। तो ये आदमी बोलता है कि जो मिस्टर फैंग है वो ओल्ड हो चुके हैं, और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में रूरू अभी भी खेल खुल के सो चुका होता है और वो थक के सो चुका होता है। तो ओल्ड मास्टर यानी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये बच्चा जो बहुत लाइवली है और इसमें बहुत एनर्जी है, इस एज में तो तुम में भी इतनी एनर्जी नहीं थी, और वो हंसते हैं। और तभी इसी ये बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझे इसे वापस ले जाना चाहिए, इसको अभी भी लेसन्स लर्न करने हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कौन से लेसन, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तो सिर्फ एक बच्चा है, तुम इसको इतने सारा प्रेशर क्यों दे रहे हो, और इसको यदि लर्न करना है तो ये बात अलग है, बट तुम उसको किसी भी चीज़ के लिए पुश नहीं कर सकते हो, समझ में आया। तो सीईओ बोलता है ओके, लेकिन अपने मन में सोचता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो कितने डबल स्टैंडर्ड है, मेरे टाइम पे तो मेरे को बोलते थे कि ये करो वो करो ये वाला लेसन वो वाला लेसन, और अभी रूरू के टाइम पे मुझे बोल रहे हैं कि ये एक छोटा बच्चा है करके। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस बच्चे के साथ खेल के, और जो बच्चे हैं वो वाकई में एनर्जी लेके आते हैं। और तभी सीईओ उठता है रूरू को साथ ले जाता है और बोलता है मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं ओके, और वैसे भी बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में नहीं सो सकता तो तुम लोग जाओ। और तभी डॉक्टर आता है और बोलता है कि ये तुमको कैसा लग रहा है, क्या आपको बेटर फील हो रहा है, और यदि तुम्हें बेटर फील हो रहा है तो तुम थोड़ा रूम के बाहर भी जा सकते हो, आईसीयू के बाहर जा सकते हो। तो ग्रैंडफादर हंसते बोलते हैं कि वो ठीक है, और वो बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा पहले कभी महसूस नहीं किया, मेरे जो ब्रीदिंग है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ना ये लोग डॉक्टर वगैरह देखते हैं और सोचते हैं क्या सच में ऐसा है, तो वो पूछते हैं क्या तुम सीरियस हो, क्या हमें तुम्हें एक ओवरऑल नया चेकअप देना होगा। तो ये लोग ले जाते हैं और टेस्ट रिपोर्ट आती है, और टेस्ट रिपोर्ट में सब कुछ बदलाव होता है। डॉक्टर बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है करके,